पास नया टॉपिक। आज के पास जो फोन है Redmi Note 5, सही ना, Note 5 Pro, Note 5 Pro है और ये डेड फोन है। तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं रिपेयरिंग का मेथड। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास जैसे फोन है Redmi Note 5 Pro है ना, तो ये डेड फोन है। हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, इसको चेक करके क्या फॉल्ट इसके अंदर। ओके, तो खोलते हैं। ये दुकानदार से पहले से इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर सेट कर देना है डायोड मोड पे, मतलब बजर मोड के साथ। ओके, और मल्टीमीटर का रेड वायर कर देना है ग्राउंड, और ब्लैक वायर से अपना चेक करना है बैटरी का जो है सॉकेट, इसके प्लस माइनस पे चेक करना होगा। प्लस में आ रहा रीडिंग 460 तक, माइनस में गिर, तो इस ब्लैक वायर से चेक करने पर 250 से ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये ओके दिखा रहा है। सर रेड वायर से चेक करते हैं अभी। देखो रेड वायर से चेक करने पर एक तो रीडिंग जीरो आना चाहिए या तो 1000 से ऊपर आना चाहिए, आ रहा है, ये ओके दिखा रहा है इस तरफ से। अभी हम लोग क्या करते हैं, फोन को ना डीसी मशीन के साथ करते कनेक्ट। जो फोन है डीसी में कनेक्ट करते हैं। तो डीसी में मैंने वोल्टेज सेट कर रखा है 4.2 और एम्पीयर 3 है, इसको ऑन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डीसी मशीन का ब्लैक वायर कर देना है ग्राउंड। देखिए कर दिया ग्राउंड, और रेड वायर से ना डीसी मशीन का यहाँ वोल्टेज देंगे। देखिए यहाँ कुछ वोल्टेज तो नहीं ले रहा है, ऑटो करंट नहीं ले रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। ऑटो करंट लिया नहीं, इसका मतलब इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। वीपैट लाइन और वीपीएस लाइन पर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑटो करंट लेता इस जगह पे तो हो सकता था कि वीपैट या वीपीएस लाइन दोनों में से कोई लाइन शॉर्ट है, पर इस हिसाब से इसमें वीपैट और वीपीएस का कोई करंट नहीं ले रहा है। पावर बटन दबाने में देखते कितना करंट लेता है, पावर बटन दबाओ। वेट करना था, बोर्ड दबाओ, डिसीजन दबाओ। देखो डीसी मशीन पे जो ले रहा करंट तब पास ले रहा है, फिर से दबाओ बटन, 100 तक जा रहा है और रीडिंग वापस ड्रॉप हो जा रहा है। देखिए 50, 24, 80 ऐसे रीडिंग करके ड्रॉप हो रहा है, और मैक्सिमम जो जा रहा है रीडिंग 100 तक जा रहा है, तो ये पावर बटन छोड़ने पे 0 हो जा रहा है रीडिंग। बटन दबाने पे 100 तक जाता है रीडिंग, 80 तक जाता है, 50 जाता है, 25 जाता है, और रीडिंग 0 जाता है, ऐसा इसमें दिक्कत है। तो इसको अभी हम चेक करते हैं। इस बोर्ड पर उसका तो किसी ने काम किया है पहले से ही, इसके ऊपर देखेगा स्ट्रिप निकाल दिया, हम लोग स्ट्रिप निकाल लेते हैं इसके। देखिए कैमरा भी निकाल लेते हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ का निकाला है पत्रा, पावर सेक्शन की जगह निकाला है। तो पावर ऐसे पे थोड़ा सा हीट पहले से ही लगा पड़ा है, सो क्लीन करने का पहले क्लीन कर लेते एक बार जरा अच्छे से।
देखो उसको साफ तो कर लिए, पर एक कॉइल यहाँ सा फूटा हुआ है, कॉइल इधर एक बार चेक करते, कोई सेकेंडरी लाइन में तो शॉर्टिंग नहीं है। तो मल्टीमीटर मैंने सेम रखा है, डायोड मोड पे रखा है, ध्यान रखो। और रेड वायर मैंने रख दिया ग्राउंड, रेड वायर ग्राउंड रखा है। और हम क्या करते हैं यहाँ पार्ट चेक करते हैं, यहाँ का पूरा सेक्शन ठीक उठा रहा है। अभी इधर के का चेक करते हैं, और इसी के पास डायोड चेक करते हैं, डायोड भी सही है। देखिए इस पार्ट इस कैथेटर को बीप कर रहा था, ये भी कैप्चर शॉट दिखा रहा है। ओके दिखा रहा है। ये सब सीपीयू का लाइन है, उसको बाद में चेक करते हैं। हमें सिर्फ चेक करना पावर और स्विचिंग लाइन चेक करना। तो यहाँ देखिए दो कैप्चर शॉट दिखा रहा है, एक ही वाला और एक ही वाला शॉट दिखा रहा है। बाकी ये पूरा पार्ट ओके दिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ओके दिखा रहा था, यहाँ चेक करते हैं, ये भी ओके है, ये भी सही है। देखो यहाँ भी एक कैप्चर शॉट दिखा रहा है, इस पावर एसी के पास शॉटिंग दिखा रहा था। अभी यहाँ चेक करते हैं इस पावर एसी के पास, ये ओके। ये सब ठीक दिखा रहा है, यहाँ कोई पार्ट शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। सिर्फ इस आईसी के पास इधर का शॉर्ट दिखा रहे हैं, और यहाँ शॉर्ट दिखा रहा है। तो इस आईसी का नंबर है PM660L 660 है L, और ये PM660 है। मतलब दोनों भी पावर आईसी है। अभी हम लोग यहाँ फुल शॉट दिखा रहे हैं, हमने इधर रूसिन अप्लाई करके एक बार चेक करते हैं, शॉटिंग निकलता है इधर। देखिए हमने पीसीबी पर रूसिन किया अप्लाई, तो हम क्या करते हैं ये जो पार्ट्स है कैपेसिटर, ये शॉट दिखा रहा था, यहाँ वोल्टेज देके देखते इधर। तो हम डीसी मशीन वोल्टेज
देखिए हमने मशीन अप्लाई किया, कहा इस पर अप्लाई कर दिया और इस पर अप्लाई कर दिया। डीसी मशीन वोल्टेज मैंने सेट कर लेना है 1.8। तो डीसी मशीन से देंगे वोल्टेज इधर, ब्लैक वायर कर देंगे ग्राउंड और ये शॉर्ट था, यहाँ वोल्टेज देखे देखते। देखो डीसी मशीन में ऑटो करंट ले रहा है, देखो तो कितना आप लोग को शॉर्टिंग है इसके अंदर, पर कोई पार्ट तो गर्म नहीं हो रहा इसमें। कोई पार्ट गर्म नहीं हो रहा, वोल्टेज देने पे कोई पार्ट गर्म हो रहा है, वोल्टेज बढ़ा के देखते हैं। 2.8 किया मैंने, देखो यहाँ वोल्टेज देने पर यहाँ तो कुछ गर्म नहीं हो रहा है इस तरफ, इस पावर की तरफ। यहाँ देखोगे तो ये कॉइल हो रहा है गर्म, देखिए ये कॉइल गर्म हो रहा है पावर इंडक्टर। ओके, बाकी कोई पार्ट इसके अंदर कुछ गर्म नहीं हो रहा है। एक बार हम लोग बोरने के अंदर इसका लाइन एक बार चेक कर लेते हैं, बोरने डायग्राम में। देखिए बोरने में बोरने क्या होगा, जैसे हमारे इसमें ना रिपोर्ट चेक कर रहे, इसके अंदर ये कैप्चर शॉर्ट दिखा रहा है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। ओके, ये वाला ये वाला इसको हम क्लिक करके इस लाइन चेक कर दे, और ये मैं ऑन कर देता हूँ गैस लाइन। देखिए ये जो कनेक्शन है ये दो कैप्चर के साथ इस आईसी के अंदर जा रहा है, पीडीएम 660 एल के अंदर जा रहा है, और ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है उस कैपेसिटर में जो शॉर्ट दिखा रहा था उसके तरफ। और जो ये था कॉइल, जो कॉइल गर्म होता है ये वाला देखो उसमें भी जा रहा है, और नीचे कैपेसिटर उसमें भी जा रहा है। तो ये मल्टीमीटर से चेक करते हैं, कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये वाला ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। कॉइल का ट्रैक चेक कर लेते एक बार, देखो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। अभी हमने जो यहाँ दिया था वोल्टेज, वोल्टेज देने पर इस कैपेसिटर पे ये कॉइल है जो ये गर्म हो रही थी, पर कॉइल कभी भी फुल शॉर्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप लोग को। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कॉइल निकाल के कि किस ट्रैक की तरफ बिप कर रहा है। ओके, फिर देख लेते इस लाइन का नाम क्या है, इधर कौन सी लाइन है। ये कॉल था, कॉपी चेज है सेमेटिक में गए। देखिए ये वाला है VSW S4 लाइन, क्या नाम है इसका, VRG S4 है ये लाइन है, इस लाइन के अंदर शॉर्टिंग इसके। ओके, हमने वोल्टेज देके देखा कोई पार्ट गर्म नहीं हो रहा था, जो कॉइल था बस यही हो रहा है गर्म। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको निकालते हैं। ये कॉइल को निकाल दिया, ये गर्म हो रहा था, कॉइल कभी शॉर्ट नहीं होता है। ओके, तो हम कॉइल निकालने के बाद ये जो दो ट्रैक है ना इसके ऊपर हम चेक करने वाले हैं कि शॉर्टिंग किस तरफ आ रहा है। तो ये मल्टीमीटर से एक बार चेक करते हैं किस तरफ बिप कर रहा है। देखो इस तरफ दिखा रहा है रीडिंग, और इस ट्रैक पे बिप साउंड आ रहा है,
इस पे चेक करते हैं, यहाँ भी पे यहाँ रीडिंग है, और ये दो जो शॉर्ट दिखा रहे इस पर भी चेक करते हैं एक बार, यहाँ रीडिंग है, यहाँ भी रीडिंग है। देखिए इस कॉइल को निकालने के बाद ये शॉर्टिंग चले गया और ये दो शॉर्टिंग चले गया, यहाँ भी शॉर्टिंग दिखा रहा था, इसको चेक करते हैं, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी दिखाने लगा रीडिंग। मतलब इस कॉइल को निकालते थे बाद एक दो तीन चार एक शॉर्टिंग चला गया। अब ये जो कॉइल का लाइन है ये लाइन को चेक करते कहाँ जाता है, डायग्राम में देखिए, देखिए ये कॉइल शॉर्ट है, अब ये वाला इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इसका कनेक्शन जा रहा है पावर एसी के अंदर, इसी के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट होगा, कन्फर्मेशन है, क्योंकि इस तरफ बिप नहीं कर रहा है, इस तरफ बिप कर रहा है, इस वजह से ये ऐसे शॉर्ट है। इसको निकाल के चेक करना पड़ेगा, इसे एक बार लॉक कर लेते हैं किसी स्टैंड में। देखिए जो शॉर्ट दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है, चेक कर दे इसको, दिखा रहा रीडिंग, रीडिंग दिखा रहा है, रीडिंग इधर भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है अभी इस पर, इन दो कैपिटल पर चेक कर लेते हैं एक बार, इस पर रीडिंग आ गया, इस पर रीडिंग है, और कुछ कॉइल निकाला था उसको भी बिठा दिया, बस चेक करते हैं मोबाइल ऑन करके ऑन हो गया कि नहीं। सॉफ्टवेयर का भी हो गया चालू, हो गया चालू, तो हो गया, देखिए हो गया कंप्लीट ऑन, चलो उधर। दोस्तों इस वीडियो में बताया आपको ड्रिफ्ट फोन सॉल्यूशन एक मेथड, तो जो आज के फोन में फॉल्ट था वो डीसी मशीन पे रीडिंग ले रहा था तकरीबन 100 तक 50 80 तक जा रहा था, और पावर बटन छोड़ने पर रीडिंग 0 जा रहा था, और इसके अंदर जो लाइन शॉर्ट थी वो सेकेंडरी लाइन शॉर्ट थी, उस लाइन का नाम था VRG S4A, इस तरह का लाइन का नाम था, इसके अंदर जो आईसी शॉर्ट था, फॉल्टी जो आईसी था वो मेन पावर आईसी था, ओके। और इसमें एक चीज और थी, वोल्टेज देने पर कोई भी आईसी मेल्ट नहीं हो रहा था, जो कॉइल था वो मेल्ट हो रहा था, तो ऐसे टाइम में आपको आईसी निकाल के ही चेक करके देखना पड़ता है, ओके। तो आज फिर ये रुकते हैं हम लोग, वीडियो अच्छे लगे वीडियो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, चलो रुकते हैं।